पौड़ी के लोक निर्माण विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। लैंसडाउन में तैनात रहे बाबू परमेंद्र सिंह ने 30 लाख का गबन किया था, जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही मामले को लेकर अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाया जाना और आरोपी को गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने का मौका देना साफ इशारा करता है कि इस गबन में विभागीय उच्च अधिकारियों और अकाउंटेंट की भी भूमिका रही होगी, क्योंकि ठेकेदारों के जिस 10% धरोहर राशि को बाबू परमेंद्र अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर रहा था, उसको अधिशासी अभियंता और अकाउंटेंट के हस्ताक्षरों के बिना खातों में ट्रांसफर करना मुश्किल था। ठेकेदारों की धरोहर राशि में किए जाने वाला गबन ठेकेदारों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ठेकेदार अमूमन ठेका पूरा होने के बाद भी अपनी 10% धरोहर राशि वापस लेने के लिए प्रति लापरवाह रहते हैं, जिससे ऐसा ही PWD के अन्य खंडों और अन्य विभागों में होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे सचिव में था, उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा FIR लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो FIR लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। तुरंत ही उसमें GD कटेगी और उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा।